पढ़ाई लिखाई एक बच्चों को कहीं तो कुमार का पेट भर रहे हैं। कौन ले जाता है चारा? कौन ले जाता है चारा? ये कमेटी वाले, नगर निगम वाले। क्यों लेके जाते हैं? रोज आतरे पातरे एक दिन छोड़ के आज ले गए पूरे टिड़क भर के लेके आज हमारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम। जब देखते हैं जब पकड़ लेते हैं जेल में चला खाना देते हैं हमारे लिए। तो क्या हर जाना वगैरह मिलता है उसको? कुछ पेमेंट वगैरह मिलता है आपको? कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही ले जाते हैं? ऐसे ही। चारा आप लेके आते हो? चारा हमारे दूसरा आता है सुबह 6 बजे। तो ये क्या ऐसे उठा के ले जाते हैं चारा? ऐसे ही ले जाते हैं भर के। क्यों लेके जाते हैं? 15-12 बेचते हैं बस खाली, हम ज्यादा भी नहीं बेचते। 30-12 दो ही माई बेटे कहते हैं हमारे, बेटी के और मेरे। उसकी मम्मी मर गई तो मेरी फालतू उसके बच्चे सारे, मम्मी नहीं है उसके बच्चे इतने। अपने निगम वाले हमारा रोज चारा भर के ले जाते हैं और प्रशासन हमसे कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं कहता। हर जगह का चारा नहीं भरे और हमारा यहाँ का क्यों भर रहे हैं? और जो रोडों पे ये मकान बना रखे हैं नगर निगम ने, जो इन्होंने पैसे तो ले लिए, फिर पैसा फिर वापस क्यों मकान खड़े कर दिए इन्होंने? फिर हमारे बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा जिंदगी भर से ही धंधा चला, पीढ़ियों से पीढ़ियों गुजरगी, अब क्या करें? हैं हमारे क्या इन बच्चे बच्चे को क्या करें? स्नेक बेचें, चोरी करें या दारू बेचें? हत्या करें? क्या हत्या करें? या डूब के लेंगे और पानी में हमारा क्यों चारा भरते हैं? अपना दशहरा मैदान है और रोज इतनी गौशाला में गायें मर रही, उन पर तो ध्यान नहीं दे रही। धर्म कर रहे हैं हम और हमारा धर्म कर रहे हैं, हमारा चारा रोज चले जाते हैं चारा ऐसे बैठ के सारे के। तो बताओ हम क्या कर सकें? इसलिए न्याय चाहिए। नाम बताओ। और वहाँ रोड पे खड्डे हो रहे हैं, उनको तो ध्यान नहीं दे रहे, कोई मर गया तो। बोलो, मेरा नाम दिनेश।